हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन बात करने वाले इस वीडियो में बेबी डॉज कॉइन के बारे में। और यहां पर मैं आपको बता दूं, जो अपने क्वेश्चंस रहेंगे बेबी डॉज कॉइन में, आप देख सकते हो क्या बेबी डॉज कॉइन बना सकता है करोड़पति। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत जल्द यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन का प्राइस आपको अच्छा खासा आप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन रहेगा, कितने रुपये में कितने बेबी डॉज कॉइन आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रहने वाले इस वीडियो में। और अगर अपन बात करें यहाँ पर देख सकते हो बेबी डॉज कॉइन के रिकॉर्ड अभी अपडेट के बारे में, तो वो भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। यानी तो अब अपन जान लेते हैं थोड़ा यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन के बारे में, उसके बाद अपन इन क्वेश्चंस का आंसर भी देखेंगे। और यहाँ पर अपन बात करेंगे क्या अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें बेबी डॉज कॉइन के रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन का करंट प्राइस अगर अपन बात करें तो 0. यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को 8025 के आसपास आपको यहाँ पर करंट में डॉलर में बेबी डॉज कॉइन का करंट प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। INR में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो INR में आप देख सकते 0.6019 के आसपास आपको इसका करंट प्राइस देखने को मिल जाएगा INR में। और अगर मैं बात करें ऑल टाइम हाई की, तो ऑल टाइम हाई प्राइस आप देख सकते 0.5055 के आसपास यहां पर बेबी डॉज कॉइन का हाई प्राइस गया था। अगर बात करें बेबी डॉज कॉइन के लो प्राइस की, जो बेबी डॉज कॉइन का लो प्राइस आप देख सकते हैं 0. यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 70192 के आसपास यहाँ पर आपको बेबी डॉज कॉइन का यहाँ पर लो प्राइस देखने को मिल जाएगा। जो कि आपको बता दूँ बेबी डॉज कॉइन का लो एंड हाई प्राइस अपन ने देखा है, ये ओनली अपन ने INR में जाना है। अगर बात करें डॉलर में तो वो अलग इसका प्राइस चल रहा है। अगर बात करें इसकी टोटल सप्लाई की, तो टोटल सप्लाई की अगर अपन बात करें बेबी डॉज कॉइन की, तो 990 ट्रिलियन के आसपास बेबी डॉज कॉइन की टोटल सप्लाई है। अगर बात करें सप्लाई, तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हो 926 ट्रिलियन के आसपास इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जिसमें से अगर अपन बात करें तो 90% इसकी जो सप्लाई वो यहाँ पर ऑफ हो चुकी है। अगर अपन बात करें इसके होल्डर्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके जो होल्डर्स इसके 1.2 लाख के आसपास इनके लगभग यहाँ पर होल्डर्स हैं। और इनके होल्डर्स में धीरे धीरे अच्छी खासी बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर अपन बात करें ट्विटर पर, तो ट्विटर पर जो इनके फॉलोवर्स हैं, तो मैं आपको बता दूं इनके ट्विटर पर फॉलोवर्स हैं 640 के आसपास जिनके ट्विटर पर करंट फॉलोवर्स हैं। और इसमें भी धीरे धीरे थोड़ी यहाँ पर वृद्धि होती है आपको देखने को मिल जाएगी। अगर अपन बात करें बेबी डॉज कॉइन के जो क्वेश्चंस रहने वाले थे, तो मैं आपको बता दूं फिर से यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन का यहाँ पर क्या आपको करोड़पति बना सकता है। और आने वाले समय में जो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस बहुत ही अच्छा खासा आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात करें कितने रुपए में कितने बेबी डॉज कॉइन आ रहे हैं, इस यह भी जो अपना क्वेश्चन है इसका आंसर अब अपन जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो बेबी डॉज कॉइन है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा शिबा कॉइन के बारे में बता दूँ कि जो शिबा आयनू है वो भी एक मेमे कॉइन है। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो बेबी डॉज कॉइन है यह भी एक मेमे कॉइन है। यहाँ पर देख सकते हैं मेमे कॉइन और यहाँ पर मेमे कॉइन। अगर अब अपन बात कर लेते हैं जो कि शिबा आयनू ने पिछले 16 महीनों में कर नहीं दिखाया है, वो यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन ने यहाँ पर 10 महीनों में कर दिखा दिया है। और जो कि बेबी डॉज कॉइन का प्राइस है आपको शिबा आयनू से भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शिबा आयनू से आगे जाएगा, लेकिन शिबा आयनू की बराबरी भी कर सकता है आने वाले समय में बेबी डॉज कॉइन। और यहां पर अगर अपन बात करें जो कि मैं आपको बताऊं 16 महीनों में जो कि बेबी डॉज कॉइन शिबा आयनू नहीं कर पाया है, वो यहां पर 10 महीनों में पिछले यहां पर बेबी डॉज कॉइन ने कर दिखा दिया है। वो है NFT लॉन्च करने वाला है बेबी डॉज कॉइन आने वाले समय में अपना। और यहां पर जो यहां पर मैं आपको बता दूं जो कि शिबा आयनू अपना वीजा कार्ड यहां पर देख सकते हो, लेकिन यहां पर बेबी डॉज कॉइन ने अपना वीजा कार्ड यहां पर लाने के यहां पर प्रोसेस जारी कर दी है। और बेबी वीजा कार्ड भी आने वाले समय में बेबी डॉज कॉइन अपना लाने वाला है। अगर अपन बात करें बेबी डॉज कॉइन के बारे में, तो जो बेबी डॉज कॉइन है यहां पर बाइनेंस लिस्टिंग यहां पर बिग इंपैक्ट, मतलब कि जैसे ही बाइनेंस पर लिस्टिंग होगा यहां पर जो कि बाइनेंस पर लिस्टिंग होगा बेबी डॉज कॉइन, तो बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि बाइनेंस जो वर्ल्ड वाइड यहां पर एक्सचेंज है, और वहां पर इसको लिस्टिंग होते ही इस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वहां पर जो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, अप होता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं बजीरक्स लिस्टिंग इम्पैक्ट, मतलब कि बजीरक्स पर भी लिस्टिंग में इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कि बजीरक्स पर लिस्टिंग के समय ही इसका प्राइस आपको अच्छा खासा अप देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं व्हेल्स एंट्री फुली लेफ्ट, मतलब कि यहां पर जो बेबी डॉज कॉइन की है, जैसा कि मैं आपको बता दूं व्हेल्स की एंट्री है अभी पूरी की तरह लेफ्ट है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं शिबा आयनू में इतने टॉप लिस्टिंग मतलब कि व्हेल्स है कि उसका प्राइस ऑटोमेटिक यहां पर अच्छा खासा अप चल रहा है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं जो बेबी डॉज कॉइन का प्राइस है, अभी बेबी डॉज कॉइन में कोई भी व्हेल्स ने एंट्री नहीं ली है, तो फुली एंट्री लेफ्ट है अभी,
मतलब कि पूरी तरह से अभी यहाँ पर लेफ्ट हैं यहाँ पर व्हेल्स बेबी डॉज कॉइन से। और मैं आपको तो बेबी डॉज कॉइन में जो व्हेल्स आएंगी वहाँ पर हजार डॉलरों का नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एंट्री लेंगी जैसे ही व्हेल्स, तो वहाँ पर व्हेल्स के थ्रू जो कि बेबी डॉज कॉइन का प्राइस आपको अच्छा खासा अप देखने को मिल जाएगा। मतलब कि मोस्ट इम्पैक्ट डालने वाला है यहाँ पर व्हेल्स से यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन पर। अगर अपन बात करें यहाँ पर पेमेंट मेथड की, तो यहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वो भी आने वाले समय में बेबी डॉज कॉइन पर बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर अपन बात करें यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया बेबी डॉज कॉइन एक मेम कॉइन है और यहाँ पर जो शिबा आयनू है इससे आगे निकल चुका है, मतलब कि मेम कॉइन से भी बड़ा कॉइन यहाँ पर आने वाले समय में बन जाएगा। और अगर अपन बात करें बेबी डॉज कॉइन जो मेम कॉइन बन जाएगा आने वाले समय में, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शिवा आयनू जो कि शिवा आयनू है इसने आप देख सकते हो कि 4,21,09,000 कुछ परसेंट का यहाँ पर रिटर्न दिया है अभी तक। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अपने होल्डर्स को शिवा आयनू ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है, अगर होल्डर जिसने भी शिवा आयनू को स्टार्टिंग में बाय किया होगा तो वो अभी करोड़ों का मालिक बन चुका है। लेकिन ऐसा ही आपको बेबी डॉज कॉइन में देखने को मिल सकता है कि जो बेबी डॉज कॉइन का अभी करंट प्राइस है और आने वाले समय में जो इसके न्यू अपडेट्स बिग अपडेट्स निकल कर आ रही हैं उनके थ्रू जो कि जैसा कि बाइनेंस पर लिस्टिंग होगा बजीरक्स पर लिस्टिंग होगा तो वहां पर का बिग इंपैक्ट पड़ने वाला है और बेबी डॉज कॉइन का प्राइस भी आपको अच्छा खासा जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर आप बेबी डॉज कॉइन को अगर अभी बाय कर लेते हो तो आने वाले समय में बेबी डॉज कॉइन आपको करोड़पति बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि कितने रुपए में कितने कॉइन्स आएंगे, तो आप देख सकते हो कि अगर आप अभी 1000 रुपए की बेबी डॉज कॉइन को बाय करते हो तो लगभग यहाँ पर 1000 रुपए में अगर कैलकुलेशन करें करंट प्राइस का बेबी डॉज कॉइन के, तो यहाँ पर 1000 रुपए में लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो 5,26,31,57,894 कॉइन्स के लगभग अभी करंट में आपको इतने कॉइन्स आएंगे 1000 रुपए की अगर आप बेबी डॉज कॉइन को अभी करंट में बाय करते हो। तो थैंक्स दोस्तों, अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, तो अब अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आपको बता दूं कि जो बेबी डॉज कॉइन है आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है।